हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनवीर मलिक एंड यू आर वाचिंग 360 बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में डिस्कस किया लास्ट वाले लेक्चर्स में, ठीक है ना। फिर हमने प्लांट्स एंड एनिमल सेल को भी डिस्कस किया। तो आज हम जानेंगे व्हाट आर एक्चुअली द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हाँ चलिए। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो बहुत सारी डिफरेंस हमारे पास है। यहां पर मैंने जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है अबाउट 12 डिफरेंसेस की बात मैंने की है, तो ये 12 डिफरेंसेस हम एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस लाई करती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मोनीरा, ठीक है, एंड दिस यूकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन द किंगडम in the organisms belonging to the kingdom protista, fungi, plantae and animalia. jo rh whitaker ne five kingdom system classification di thi, kingdom monera, protista, fungi, plantae and animalia. to jo kingdom monera mein jo organism aate hain, hame pata hai ki monera mein aata hai bacteria and cyanobacteria, theek hai, to iska matlab prokaryotic cell kis mein hai, in the organisms of kingdom monera, aur kingdom monera mein hame pata hai ki isme bacteria aata hai, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया आता है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल बाकी के चार किंगडम जो बचते हैं, चाहे प्रोटिस्टा, चाहे फंजाई, चाहे प्लांटी, चाहे एनिमेलिया, उन सब में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन सब में कौन सी सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। चलिए दूसरी डिफरेंस पे आते हैं। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम व्हाइल एज यूकैरियोटिक सेल इज अ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है ना। ये सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम डबल मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसको बाहर से ही मेम्ब्रेन्स होते हैं, चाहे सेल मेम्ब्रेन होता है चाहे सेल वॉल होता है, ठीक है ना, लेकिन वो बाहर से होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पर एक तो बाहर से सेल मेम्ब्रेन होता है और कई जगहों पर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे लाइसोसोम, चाहे वैक्यूल, चाहे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, उन ऑर्गेनेल्स को भी बाहर से मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बन गया डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, एक तो बाहर से मेम्ब्रेन्स हैं, दूसरा जो इसके पास ऑर्गेनेल्स हैं उनके पास भी मेम्ब्रेन्स हैं। हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इट्स एक्सटर्नली कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन व्हाइल इट्स ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। और यहां पर यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होता है बाहर से, इसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको भी अपना मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। अब सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा एंड आर्किबैक्टीरिया, ठीक है। तो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, इन सेल्स में सेल वॉल होता है लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कौन कौन सी एक्सेप्शन है, एक तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, दूसरा आर्किबैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होता है। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यहां पर सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल और फंगल सेल में होता है, ठीक है ना। जो प्रोटिस्टा की सेल है जिसमें प्रोटोजोआ आते हैं उनमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, जो एनिमेलिया होता है एनिमल सेल होती है उसमें भी कोई सेल वॉल नहीं होता है। इसका मतलब ये फंगाई और प्लांटी जो है इनकी सेल्स में सेल वॉल होता है, ठीक है। दिस इज द थर्ड डिफरेंस, ठीक है। अब चौथी डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इंस्टेड न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, ठीक है। जो ये सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, यहां पर असल में क्या होता है कि न्यूक्लियस को बाहर से मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन और न्यूक्लियर एनवलप के अंदर होता है जेनेटिक मेटीरियल, क्रोमोजोम वगैरह, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता है तो इस न्यूक्लियस को कोई शेप ही नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसके बदले क्या होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट बट न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड क्या है, एक अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ अच्छा, यहां पर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहां पर जो ये सेल होती हैं इसके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब पांचवी डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर्स
याद रखिएगा, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-6 meters. 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10^-6 meters. तो इस प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है? 0.125 माइक्रोमीटर्स. लेकिन जो यूकेरियोटिक सेल होती है इसका साइज प्रोकैरियोटिक सेल के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है. इसका साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर. हालांकि दोनों सेल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. ये साइज भी 5 to 100 माइक्रोमीटर जो है ये साइज भी बहुत छोटा होता है. लेकिन हम इसके मुकाबले में प्रोकैरियोटिक सेल के मुकाबले में इसका साइज यूकेरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है. कितना? 5 to 100 माइक्रोमीटर. ठीक है. अब इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स टू फॉर्म मेसोसोम्स. ठीक है. इस प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें ऐसे फोल्ड्स होते हैं और इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं मेसोसोम्स. क्या बोलते हैं? मेसोसोम्स. ठीक है. अब इन मेसोसोम्स के अंदर होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल को. याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है इस सेल मेम्ब्रेन में ऐसे फोल्ड्स होते हैं. मेम्ब्रेन ही इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स होता है. इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं मेसोसोम्स और इन फोल्ड्स के अंदर होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम जो इसको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं. ठीक है. लेकिन यहां पर मेसोसोम्स एब्सेंट होते हैं. किसमें? यूकेरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन में ऐसी कोई फोल्डिंग नहीं होती है. फिर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहां पे होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास होता है सेल ऑर्गेनेली, तो इसी सेल ऑर्गेनेली के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं. ठीक है. तो यहां पर मेसोसोम्स होते हैं, यहां पर मेसोसोम्स एब्सेंट होते हैं. ठीक है. इसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यानी कि यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं. जैसे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो, गॉल्गी बॉडी हो, चाहे लाइसोसोम हो, चाहे वैक्यूल हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं. लेकिन यहां पर ये प्रेजेंट होते हैं. यहां पर ये सारे ऑर्गेनेल्स यूकेरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं. ठीक है. अब राइबोसोम्स आर 70S एंड इन केस ऑफ यूकेरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर 80S. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम्स होते हैं. ये राइबोसोम कुछ इस तरीके से होता है, इसका एक बड़ा सब यूनिट होता है, एक छोटा सब यूनिट होता है. ठीक है ना. बड़े सब यूनिट को हम बोलते हैं 50S, छोटे सब यूनिट को हम बोलते हैं 30S. अब इसको कैलकुलेट आपको ऐसे नहीं करना है 50 और 30 हो गए 80, तो ये तो हो गया 70S. ये ऐसे नहीं होता है. जब मैं राइबोसोम्स पढ़ाऊंगा उस टाइम में डिटेल में समझाऊंगा कि ये एस क्या होता है और इसके सब यूनिट्स कैसे होते हैं. फिलहाल आप याद रखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके राइबोसोम्स होते हैं 70S और उसमें बड़ा सब यूनिट होता है 50S, छोटा सब यूनिट होता है 30S. ठीक है. अब यूकेरियोटिक सेल में यही राइबोसोम्स होते हैं 80S. ठीक है ना. इसमें बड़ा सब यूनिट जो होता है दैट इज 60S और जो छोटा सब यूनिट होता है दैट इज 40S. ठीक है. हाँ, तो ये भी एक डिफरेंस बनती है कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स. अब राइबोसोम एक वाहिद ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल है. ये हर एक सेल में पाया जाता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकेरियोटिक हो. अब प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, यूकेरियोटिक में 80S होता है. ठीक है. अब इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसका डीएनए जो होता है ये सर्क्यूलर होता है, यानी कि इसका डीएनए ऐसे होता है, इसका डीएनए सर्क्यूलर होता है. ठीक है ना. हाँ. और यहां पर क्या होता है? यहां पर डीएनए लीनियर होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से स्ट्रेट होता है. इसके ये स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. लेकिन यहां पर यही डीएनए जो होता है ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, यहां पर स्ट्रेट होता है, लीनियर फॉर्म में होता है. ठीक है. हाँ. अब इसके अलावा डीएनए ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म. अब मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है. इसका मतलब जो भी डीएनए होता है वो किसमें होता है? इस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. लेकिन यहां पर जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. एक तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है ना. न्यूक्लियस के अलावा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और तीसरा क्लोरोप्लास्ट में भी होता है या प्लास्टिड में भी होता है. ठीक है ना. हाँ. तो यहां पे आप याद रखेंगे, यहां पे डीएनए एक तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. याद रखिएगा जो मेन डीएनए होता है
जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है वो होता है न्यूक्लियस का डीएनए, ठीक है ना। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि ये भी अपनी डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स इसको सेल से चाहिए, इस वजह से ये होता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना। अब इनके पास भी डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के भी, लेकिन इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि ये इस डीएनए से, न्यूक्लियस के डीएनए से एक्स्ट्रा है, अलावा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। अब आप याद रखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें जो डीएनए होता है वो होता है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप बाहर से नहीं है। अब यहां पर डीएनए एक तो न्यूक्लियस में होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। अब 11th डिफरेंस क्या है, साइक्लोसिस इज एब्सेंट। याद रखिएगा जो इस सेल का साइटोप्लाज्म होता है, यूकेरियोटिक सेल में जो ये साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखाता है, यानी कि कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है, चलता है। ये साइटोप्लाज्म जो है, हमें पता है कि ये जलीला एक सब्सटेंस है, जलीला एक फ्लूइड है, तो ये मोटा फ्लूइड है और इसकी जो मोशन होती है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है ना। अब यूकेरियोटिक सेल में ये साइक्लोसिस होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है, लेकिन यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में कोई साइक्लोसिस नहीं होता है, और साइक्लोसिस का मतलब है स्ट्रीमिंग मूवमेंट, यानी कि यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में कोई स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, इनमें सीधे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि ये गैमीट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ये ऑर्गेनिज्म जो है जिनमें यूकेरियोटिक सेल होती है, ये गैमीट्स बनाते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ये थे, दीज वेर द मेन डिफरेंसेस विच आई डिस्क्राइब्ड इन 12 पॉइंट्स बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हम विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू वेरी मच।